वेलकम टू मिनट साइंस, एक वीडियो सीरीज जिसमें मैं आपको एक छोटे से साइंस क्वेश्चन का आंसर देता हूं एक या दो मिनट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें ब्लड मून क्यों दिखता है। लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के समय मून चंद्रमा हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्लैनेट्स की कोई खुद की लाइट नहीं होती है, इसीलिए मून की भी खुद की लाइट नहीं है। मून हमें चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है और वो लाइट मून रिफ्लेक्ट करके अर्थ को भेज देता है। तो नॉर्मली जब मून हमें सफेद कलर का दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि सन सारी लाइट मून पे जा रही है और वो लाइट मून अर्थ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो व्हाइट कलर की लाइट होती है उस लाइट में 7 कलर्स मिक्स होते हैं, लेकिन लूनार इक्लिप्स के समय सन अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ चंद्रमा और सन के बीच में आ जाती है। अब इससे होता क्या है, क्योंकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो जब सन की लाइट मून पे जाती है तब उसे अर्थ से होकर गुजरना पड़ता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण व्हाइट कलर की लाइट में जितने भी दूसरे कलर होते हैं वो सारे कलर स्कैटर यानी कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं। अब इन सारे लाइटों में जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण वो मून तक पहुंच जाती है चंद्र ग्रहण के समय। इसीलिए लूनार इक्लिप्स के समय सिर्फ रेड कलर की लाइट मून तक जाती है और मून उसी लाइट को अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें मून रेड कलर का दिखता है चंद्र ग्रहण के समय। अगर आपको जानना है कि क्या एस्गार्ड जैसा कोई प्लैनेट रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं, तो ऊपर वाली वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है कि हवा क्यों चलती है या फिर हवा कहां से आती है, तो नीचे वाली वीडियो को देखें। Till the next video, thanks for watching.